IUPAC नोमेनक्लेचर IUPAC नेमिंग। अगर कार्बन की संख्या एक से लेकर के 100 तक रहेगी, ठीक है, एक से लेकर के 100 तक रहेगी, तो उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम इस प्रीफिक्स और वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कुछ वर्ड रूट है, ये है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट अगर कार्बन की संख्या एक रहेगी तो वर्ड रूट हम मेथ का उपयोग करेंगे, अगर कार्बन की संख्या दो रहेगी तो एथ लिखेंगे, तीन रहेगा तो प्रोप, चार रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट, छह रहेगा तो हेक्स, सात रहेगा तो ऑक्ट, और नौ रहेगा तो नॉन, और दस रहेगा तो डेक। लेकिन अगर इससे कार्बन की संख्या अधिक होने लगे, जनरली लड़का दस तक याद रखता है लेकिन दस से अधिक रहता है तो उसको नोमेनक्लेचर में दिक्कत होती है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हम 10 तक तो वर्ड रूट कॉमन यूज करते हैं, लेकिन 10 से अगर अधिक होगी तो इन दोनों हम टेबल को फॉलो करके नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे अगर कार्बन की संख्या 10 है तब तो कॉमनली डेक लिखेंगे, 10 रहेगा तो डेक लिखेंगे। पहले परफेक्ट एक नंबर जो सीरीज का है उसको समझ लेते हैं। 10 रहेगा तो डेक लिखेंगे, 20 रहेगा तो क्या लिखेंगे, आईकॉस या इकॉस लिखते हैं, आईकॉस और इकॉस। अगर कार्बन की संख्या 30 हो जाए तो 30 रहेगा तो ट्राइकॉन्ट लिखेंगे, सही है। 40 रहेगा तो टेट्राकॉन्ट लिखेंगे, अगर 50 रहेगा तो पेंटाकॉन्ट लिखेंगे, जीरो के लिए कॉन्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 60 रहेगा तो हेक्साकॉन्ट, और 70 रहेगा तो हेप्टाकॉन्ट, 80 रहेगा तो ऑक्टाकॉन्ट, 90 रहेगा तो नोनाकॉन्ट, और 100 रहेगा तो हेक्ट का उपयोग करेंगे। तो ये तो हो गया 20 और 100 के बीच में जो 10 का डिफरेंस रहेगा उनके लिए। अच्छा, 1 रहेगा ये इसके साथ ऐड होता है, ये जो हमारा सीरीज है ये इसके साथ ऐड होगा। कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसको पहले इसको देख लो। 1 रहेगा तो हेन या ऑन, 2 रहेगा तो डो, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा, 8 रहेगा तो ऑक्टा, और 9 रहेगा तो नोना का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 10 तक का तो ये हो गया, 20 से लेकर के परफेक्ट 10-10 का डिफरेंस होगा तब तो ये सीरीज बन जाएगी। अब अगर हमें कार्बन 11 का नोमेनक्लेचर करना है, जैसे 11 कार्बन की संख्या 11 आती है, तो इसके लिए वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो 11 को हम क्या करेंगे, दो नंबरों में तोड़ेंगे, जिसमें एक नंबर इसका होगा और एक नंबर इसका होगा, ठीक है। अगर 11 रहेगा तो पहले किसका नंबर एगो लिखेंगे, एगो नंबर इसका लिखेंगे और एगो नंबर इसका लिखेंगे। पहले छोटा नंबर लिखेंगे इसमें का और बड़ा नंबर इसमें का लिखेंगे। तो 11 के लिए हम नंबर क्या लिखेंगे पहले इसको समझो, 1 प्लस 10। अगर 11 का नोमेनक्लेचर करना है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10। 1 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हेन या अन, तो हेन या अन में किसी का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अन। और 10 के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, 10 के लिए डेक का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा अन डेक। तो 11 का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, अनडेक, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हमें 12 का नोमेनक्लेचर करना है, 12 का नोमेनक्लेचर करना है यहाँ 12 का, तो 12 के लिए फिर हम इस 12 को दो भाग में तोड़ेंगे। तो पहले छोटा नंबर लिखना है फिर बड़ा नंबर लिखना है, तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 10, ठीक है, 2 प्लस 10, फिर 12 बन जाएगा। छोटा नंबर पहले लिखना है बड़ा नंबर बाद में, याद रखना। 2 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, 2 प्लस, 10 के लिए क्या लिखेंगे, 10 के लिए डेक, तो हो जाएगा क्या, 2 डेक, सही है। इसी तरह 13 के लिए लिखना है तो 13 के लिए क्या हो जाएगा, C13 के लिए 3 प्लस 10। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और 10 के लिए क्या लिखेंगे, डेक, तो क्या हो जाएगा, ट्राइडेक। 13 का क्या हो जाएगा, ट्राइडेक हो जाएगा। 14 के लिए क्या लिखेंगे बोलो, 14 के लिए बोलो क्या लिखेंगे, 4 प्लस 10 लिखेंगे ना, 4 प्लस 10, तो 4 का क्या होगा बताओ, 4 का क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 का क्या लिखेंगे, टेट्रा, तो 4 का हो जाएगा क्या, टेट्रा, और 10 का क्या होगा बोलो, डेक, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा डेक हो जाएगा। उसी तरह 15 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटा डेक हो जाएगा, और 16 के लिए क्या होगा, एक्सा डेक, 18 के लिए क्या होगा, 8 प्लस 10
क्या हो जाएगा? अगर हम 19 का लिखे तो बताओ क्या होगा? 9 प्लस 10 होगा ना, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? नूना। क्या हो जाएगा बेटा? नूना। और 10 के लिए क्या हो जाएगा? डेक। तो ये तो क्लियर हो रहा है। अब अगर हम अब तो सीख लिए हम कितना से कितना तक, 11 से लेकर के कितना तक, 19 तक तो सीख लिए, 20 का तो पता ही है आई कॉस। क्लियर हो रहा है। अब हम इससे बड़ा नंबर 11 वाला पहले इसको देख लो कैसे लिखेंगे, छोटा नंबर पहले और सही है। अब 11 के लिए 9 प्लस 2 मत लिख देना, एक नंबर इसमें का लेना है और एक नंबर उसमें का लेना है, ठीक है? सही है। तो अब इनका नोमेनक्लेचर हो गया, कोई एक बार देख लो, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ठीक है? आगे चला जाए, कोई दिक्कत ना है बेटा। चलो अब आगे देखो, अब अगर हम 20 से आगे बढ़े तो 20 का क्या हो जाएगा? हमारा आई कॉस हो जाएगा 20 के ऊपर के लिए। जैसे कोई कहता है कि 21 का सर बताइए 21 के लिए वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करेंगे, 10 तक तो याद रहता है, 10 के ऊपर 21 का क्या होगा? बोलो 21 को कैसे तोड़ के लिखेंगे? हाँ, 1 प्लस 20 पहले किसको लिखना है? छोटा छोटा वाला खुद। 1 प्लस कितना? 20। 1 का क्या होगा बताओ? 1 का ऑन या हेन, तो क्या लिखा जाए? हेन, हेन लिख लो। अब 20 का क्या लिखोगे? आई कॉस लिख दोगे तो आई कॉस हो जाएगा, हेन आई कॉस। हेन आई कॉस माने कितना? 21। इसे अगर एल्केन बनेगा तो हेन आई कोसेन बन जाएगा। उसी तरह 21 का हो गया, 22 का बताइए, 22 का क्या होगा बेटा? 2 प्लस 20 होगा, तो 2 का क्या हो जाएगा? डो। और 20 का क्या होगा? आई कॉस। क्या होगा? आई कॉस होगा। अब देखोगे एक चीज यहाँ समझोगे, इसको यहाँ बताते हैं। अगर हम 20 का करते हैं, जैसे 20 का 2 प्लस 20 लिखेंगे, सॉरी 22 का करना था, तो 22 का 2 प्लस 20 लिखोगे, 2 के लिए बताओ क्या लिखोगे? 2 के लिए बताओ क्या लिखोगे? डो लिखोगे। और 20 के लिए क्या लिखोगे? आईकॉस, आईकॉस लिखोगे। तो ध्यान देना यहाँ पर है, डी ओ में भी एक भवेल है और आईकॉस में भी एक भवेल है, सही है? तो जब दो को भवेल एक साथ आएगा ना, तो सेकंड वाला भवेल को हमको गायब कर देना है। जैसे अभी हमने क्या देखा था, यहाँ कितना भवेल आ रहा है? डी में का एक ओ भवेल है और आईकॉस में का आई भवेल है, तो दोनों भवेल एक में कौन भवेल को हटाना है? दूसार का भवेल आई को हटा देना है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर? सही में ई नोमेनक्लेचर कट जाएगा, क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर? डू कॉस। कहीं कभार पहले क्या होता था नोमेनक्लेचर में, इन दोनों ही चीजों को लिख दिया जाता था, लेकिन आज जो है नोमेनक्लेचर में सिर्फ एक ही भवेल का इस्तेमाल किया जाता है, पहला वाला सेकंड वाला भवेल को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलता है। तो अब 23 का करना हो तो बताओ 23 का क्या होगा? 23 का बोलो क्या होगा? 3 प्लस 20 होगा, तो 3 का क्या होगा बोलो? ट्राई। इनके लिए ट्राई लिखोगे ना यार, ट्राई। अब 20 के लिए आई कॉस, तो फिर आई कॉस। अब बताओ क्या आई हो गया? दो गो, तो एक आई ना लिखेंगे, तो सो इनमें के लिए बताओ तो क्या होगा? ट्राई कॉस हो जाएगा, ट्राई कॉस है, ट्राई। और आई कॉस, आई कॉस में का एक आई गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ट्राई कॉस। अब इसी तरह 21, 22, 23 का हो गया, 24 का करना हो, 24 का करना है तो बताओ क्या होगा? 4 प्लस 20। 4 का क्या होगा बोलो? टेट्रा। 4 का टेट्रा। 20 का क्या होगा बोलो? आईकॉस। तो क्या हो जाएगा? आईकॉस में काई लगाएं कि ना? पहले से बोल है, लगेगा कि ना? नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा कॉस। अब उसी तरह अब कहाँ तक हो जाएगा? 28 का हो जाएगा। 28 का बताओ क्या होगा? 8 प्लस 20, तो ऑक्टा कॉस हो जाएगा। 29 का क्या होगा? 29 का क्या होगा? नोना कॉस हो जाएगा जी। अरे अरे नहीं चाहिए, भारी है, कहाँ तक आ गया? कहाँ तक हो गया? अच्छा 29।